रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित कई पश्चिमी और नेटो देश यूक्रेन के समर्थन में हैं। अपने स्तर पर उन्होंने शुरुआत में यूक्रेन की मदद भी की, लेकिन युद्ध लंबा खींचने के चलते यूक्रेन के सैन्य हथियार खत्म होने के कगार पर है और युद्ध अभी भी जारी है, बल्कि ये कहें कि रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे में यूक्रेन को अपने बचाव के साथ ही जवाबी हमले के लिए और अधिक सैन्य हथियारों की जरूरत है। एक तरफ तो यूक्रेन के हथियार खत्म होते देख रूस ने उस पर हमले बढ़ा दिए हैं और दूसरी तरफ रूस ये भी कहता रहता है कि यूक्रेन को मिलने वाली पश्चिमी मदद की वजह से युद्ध लंबा खिंच रहा है। इस बीच फ्रांस जैसे देशों ने खुलकर यूक्रेन के समर्थन में बयान दिए और अन्य नेटो सहयोगियों से भी यूक्रेन की मदद का आह्वान किया। ऐसे में दुश्मन का दोस्त दुश्मन वाली स्थिति है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार देर रात साफ कर दिया कि रूस किसी भी नेटो देश पर हमला नहीं करेगा। पुतिन ने यह कहा कि वो पोलैंड, बाल्टिक राज्यों या चेक गणराज्य पर भी हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर पश्चिम यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की सप्लाई करता है तो उन्हें रूसी सेना द्वारा मार गिराया जाएगा। पुतिन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने चेतावनी वाले अंदाज में जोर देकर कहा कि हम विमान को वैसे ही नष्ट कर देंगे जैसे हम टैंक, बख्तरबंद वाहनों और रॉकेट लॉन्चरों सहित अन्य उपकरणों को नष्ट करते हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि F-16 लड़ाकू विमानों से भी यूक्रेन में स्थिति नहीं बदलेगी। हालांकि पुतिन ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि अगर F-16 लड़ाकू विमानों का उपयोग तीसरे या किसी अन्य देश के हवाई क्षेत्रों से किया जाएगा तो वे हमारे लिए वैध लक्ष्य बन जाएंगे, फिर चाहे वे कहीं भी स्थित हों। पुतिन की यह टिप्पणी तब सामने आई है जब यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा कि विमान आने वाले महीनों में यूक्रेन पहुंचने चाहिए। आपको बता दें कि बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड वो देश हैं जिन्होंने यूक्रेन की मदद के लिए उसे F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देने का वादा किया है। इन्हीं फाइटर जेट्स को लेकर एक तरफ यूक्रेन उम्मीद लगाए बेसब्री से आने का इंतजार कर रहा है तो दूसरी तरफ रूस खुलकर धमकी देने वाले अंदाज में आ गया है।